ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੇਂ ਪਾੜ ਪਾਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ। ਹਮ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਇਸੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਰਣਾਵਤ ਇਸਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਾ ਨਾ 2020 ਮੇਂ, ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਈ ਕੁਛ ਬੋਲਾ। ਹਮਨੇ ਵੋ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਆ। ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੇਂ ਪਾੜ ਪਾਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ। ਹਮ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਇਸੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋਤਾ ਆਜ ਕੰਗਨਾ ਕੋ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਜਾਨਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਿਤਾਬੇ ਪੜੋ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਲਗੇ, ਆਜ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਤਾ, ਤੂੰ ਕੰਗਨਾ ਨਹੀਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਮਨੇ ਕੰਗਨਾ ਖਾਨ ਹੋਣਾ ਥਾ, ਤੁਮਨੇ ਕੰਗਨਾ ਖਾਨ ਹੋਣਾ ਥਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਮੇਂ, ਉਸ ਕੌਮ ਕੋ ਆਜ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਕਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਇਆ। ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਰਣਾਵਤ ਹੈ ਉਸਕੋ ਅਬ ਮਾਲੂਮ ਪੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਭੀ ਦੇਸ਼ 2014 ਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁਆ ਹੈ, ਜਬਕਿ ਦੇਸ਼ 14 ਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 1947 ਮੇਂ ਮਾਨਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਗੋ ਕੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਭੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੇ ਤਿਉ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਹਮ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤੇ।
दिल्ली में हमने जाने की कोशिश की, हम अपने हक मांगने के लिए गए तो कंगना रनावत जैसे और भी कई लोग हैं जो किसानों को मेहनत कश लोगों को आतंकवादी बताकर वहां के रोके रखा हुआ है, अभी आतंकवादी लोग है। जबकि किसान पूरे भारत का इतिहास देखा जाए उसने कम से कम 90% से ज्यादा जो कुर्बानी दी है वो पंजाब के इस खित्ते ने दी है, धरती ने दी है। इस धरती ने इतना लहू बहाया है कि पंजाब भारत को आजादी मिली है। कंगना रनावत को चार दिन वो एक्शन करके सोचती है कि मैंने आजादी ली, ऐसी आजादी नहीं मिलती, खून देना पड़ता है। हमारी जहां माताएं हैं, हमारी बहनाएं हैं, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने यहां पे बड़ा बड़ा खून की नदियां बहाई हैं, तभी यहां पे आजादी मिली है। हम ये चाहते हैं कि कंगना रनावत को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे जो ऐसे लोग लोगों को बांटकर लोगों को तोड़कर राजनीति करना चाहते हैं इनको कभी भी इलेक्शन में खड़ा नहीं होना देना चाहिए। आम भारतवासियों को भी अब आपके माध्यम के जरिए बेनती है कि ऐसे लोगों को कभी भी वोट की सपोर्ट मत करो जो देश को तोड़कर अपनी मनमर्जी कई गुंडागर्दी आतंकवादी फैला रहे हैं। आतंकवादी किसान पंजाब के लोग नहीं है, कंगना रनावत आतंकवादी है। बीजेपी के लोग जो इस वक्त सरकार चला रहे हैं वो आतंकवादी हैं। हमारी मांग यही है कि जो इमरजेंसी मूवी बनी है ना वो बिल्कुल देश को तोड़ने के लिए मूवी बनाई गई है। इस मूवी को सरकार को बैन करना चाहिए, जो सेंसर बोर्ड है उस पर प्रतिबंध ला के उसको पक्के तौर पर बंद कर दे। ये मूवी चलनी नहीं चाहिए क्योंकि ये देश को तोड़ेगी मूवी। कंगना रनौत का बयान आया, उन्होंने कंगना रनौत जो सांसद हैं उनका बयान आया, किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुए, अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो पंजाब का वो हाल होता है। मैं कहना तो नहीं चाहता, रनौत साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए रेप कैसे होता है, उनको कैसे तजुर्बा है। तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। कंगना रनौत की बात कर रहे हैं? हाँ जी, कंगना रनौत।